न्यूज़ खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, KTN खिलाफत न्यूज़ की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अब बढ़ते हैं हम खबर की तरफ। नाज़रीन, आपको पता है कि कोरोना चुनावों से डरता है। पूरे देश में जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, जिसमें से पश्चिम बंगाल में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और चौथे चरण का मतदान होना है। आपको बता दें कि जिस तरह से चुनावों में रैलियां हुई, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री और पूरी कैबिनेट इन 5 राज्यों में चुनावों में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 5 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कोरोना की लहर और कहर दोनों दिखाई दे रहा है। मीडिया के बड़े चैनलों पर जिस तरह से कोरोना की दहशत बनाई जा रही है, कोरोना के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, संक्रमण के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े चैनल हैं, सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते कि क्या कोरोना बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु, आसाम या फिर पुडुचेरी, केरल में नहीं है जहां पर चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि पूरे देश में चुनाव की मध्यावधि घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव से कोरोना भागता है तो पूरे देश में कोरोना का कहर खत्म हो सकता है, लहर खत्म हो सकती है, जिस तरह से 5 राज्यों में देखा जा रहा है। टेस्टिंग के मामले भी देखे गए पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से टेस्टिंग आधी अधूरी है, या तमिलनाडु, केरला या फिर आसाम या उन राज्यों में जहां पर चुनावी हलचल चल रही है, और उत्तर प्रदेश में अभी पंचायती चुनाव होना बाकी है। तो सवाल ये होता है कि चुनाव से कोरोना डरता है, इसलिए चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए उन सभी राज्यों में जहां पर कोरोना की लहर और कहर दोनों जारी है। अखबारों की सुर्खियों में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, लोगों में पैनिक पैदा किया जा रहा है। और एक बहुत बड़ी बात यहां पर आ रही है कि कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू का जो चलन लॉकडाउन पीरियड में शुरू हुआ था, अब फिर से शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या है? रात में कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है? रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है, क्या कोरोना रात में ही निकलता है? अगर रात में कोरोना निकलता है तो दिन में इतना पैनिक लोगों में क्यों पैदा किया जा रहा है? मास्क के नाम पर चालान किए जा रहे हैं, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि एक शख्स कार में बैठा था, शीशे कार के बंद थे, उसने मास्क नहीं लगाया था, इसलिए उसका चालान किया गया कि उसने मास्क नहीं लगाया। हाईकोर्ट ने जो अपना बयान दिया, जो उस पर वर्डिक्ट दिया, वो ये कहा कि कार एक सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है, उसे माना है, इसलिए मास्क लगाना कार में बैठे शख्स का ज़रूरी है। तो अगर कार एक सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस है, तो पश्चिम बंगाल में जो बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हो रही और मंच पर खड़े जो नेता बिना मास्क के, और जो रोड शो हो रहा है, अमित शाह जी देखे जा सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं और बिना मास्क के कर रहे हैं, तो इन नेताओं पर भी ये कानून लागू होना चाहिए, इनके भी चालान होने चाहिए, इनके भी चुनावों को रद्द कर देना चाहिए, या जो भी पार्टियां चुनावी रैलियां या इस तरह का रोड शो कर रही है उन पर चुनाव आयोग को तुरंत प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि देश पूरा है, देश की 137 करोड़ जनता का ये देश है। अगर ये नियम और कानून देश के आम लोगों पर लागू होता है तो नेताओं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होता है। देखिए तस्वीरों में हमारी ये खास खबर।